हेलो एवरीवन, हम लोग इस चैप्टर में बात करने वाले हैं नमपाई, जो हमारा पुराना चैप्टर था एरे, उसी का ये अगला पार्ट है नमपाई। और नमपाई द बॉस, क्योंकि यार ये एमएल में एक बॉस की तरह बिहेव करता है, एकदम ताकतवर फंक्शंस है इसके पास। तो यार यहाँ पे हम लोग नमपाई के बारे में बहुत स्पीड में पढ़ेंगे, तो यार अच्छे से चलो पढ़ते हैं और स्टार्ट करते हैं। तो यार सबसे पहले नंपाई को यूज करने के लिए हमें सबसे पहले नंपाई इंस्टॉल करना पड़ेगा अपने में। तो यार पिप इंस्टॉल नंपाई आप ऐसे इंस्टॉल कर सकते हो अपने सिस्टम में। अगर आप नहीं कर पा रहे हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख देना ये चीज। और यार बाकी यूट्यूब पे बहुत ढेर सारे वीडियो पड़े हुए हैं, तो उससे भी आप देख सकते हो। ठीक है, मैं मान के चल रहा हूँ कि हमारे में नंपाई इंस्टॉल हो चुका है। तो सबसे पहले करना है उसको इम्पोर्ट, तो इम्पोर्ट नंपाई SNP। तो यार यहाँ पे हो गया हमारा नंपाई इंपोर्ट। अब यार सबसे पहले एरे बनाना है, तो वहां पे हम लोग कैसे बनाते थे, वहां पे हम लोग एरे लिखते थे। सिंगल कोट्स में हम लोग यहाँ पे वो चीज लिखते थे, जैसे कि आई या यू या फिर एफ। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं करना है, यहाँ पे डायरेक्टली हमें यूज कर लेना है। बट सबसे पहले एनपी डॉट, क्योंकि हम लोग यहाँ पे यूज कर रहे हैं एनपी का। और यहाँ पे इसके अंदर वैल्यू हम लोग डाल देंगे कुछ भी, जैसे 2, 3, 4, 7, ये बन गया हमारा एरे। ठीक है, टाइप ऑफ एरे चेक करते हैं। ये थोड़ा सा सिंपल है उस एरे के कंपेयर में, क्योंकि यार यहाँ पे ढेर सारे फंक्शंस हैं और यहाँ पे सारे काम बहुत ही स्मूथली हो जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखना, वहां पे स्टार्टिंग में IO वगैरह देता रहता था, बट यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है। टाइप हमने चेक किया तो numpy.nd एरे यहाँ पे टाइप दिखा रहा है। अब यार सबसे पहले क्रिएशन ऑफ एरे, अरे कैसे क्रिएट करते हैं, तो यार हम लोगों ने देख लिया, सिंपली अरे लिख देते हैं यहाँ पे। ओके, बात करते हैं इसमें फंक्शंस की, अरे और भी कितनी तरीके से क्रिएट किया जा सकता है। तो यार देखना इसमें बहुत ढेर सारे फंक्शन है, सारे फंक्शन आराम से पढ़ते हैं। सबसे पहले लिन स्पेस, लिन स्पेस, लिन स्पेस का मतलब एक लाइन। जैसे कि हम लोग जब भी प्लॉट करते थे बचपन में, इंटीजर एक नंबर लाइन जब प्लॉट करते थे, तो हम लोग स्टार्टिंग एड्रेस देते थे, यानी -3 से अगर 3 तक प्रिंट करना हो तो उसके बीच में सारी वैल्यू आ जाती थी, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3। सेम काम यहाँ भी है। लिन स्पेस के अंदर हमें 3 आर्गुमेंट देने पड़ते हैं यार। पहला तो कहाँ से स्टार्ट करना है, दूसरा कहाँ पे स्टॉप करना है, उसके बीच में कितनी वैल्यू चाहिए। तो यार देखो एरे डॉट, पहले एनपी यानी नमपाई का लिन स्पेस, याद रखना लाइन स्पेस नहीं है, लिन स्पेस है। यहाँ पे मुझे 3 से लेके 7 के बीच में 20 वैल्यू चाहिए। तो यार 3 से 7 के बीच में इसने मुझे 20 वैल्यू दे दिया, ऐसा देखना। 3, 3.21, 3.42, 3.6, 3.8, इसने मुझे कितनी 20 वैल्यू दे दी एरे के बीच में। तो यार लिन स्पेस बहुत प्यारा फंक्शन है। अब यार अगला है अरेंज। अरेंज हम लोगों ने रेंज पढ़ा था, रेंज, रेंज में अगर हमने 2 लिख दिया या हमने लिख दिया 5, तो ये क्या करता था, 0 से लेके 4 तक, 0, 1, 2, 3, 4 सारी वैल्यू हमें दे देता था। सेम अरेंज, ये सेम है अरेंज। अरेंज के अंदर हम लोग कोई वैल्यू डालेंगे तो वो स्टार्टिंग से लेके 1 कम तक की सारी वैल्यू दे देगा, और एरे के फॉर्म में। जैसे एरे के अंदर हमने एनपी डॉट अरेंज लिख दिया, अरेंज के अंदर हमने डाला वैल्यू 4, तो 0 से लेके 3 तक सारी वैल्यू एरे बना के डाल देगा। ठीक है, यहाँ पे हो गया 0 से 1, 2, 3। सेम हम लोग यहाँ पे जैसे रेंज में हम लोग यूज करते थे, उसी तरीके से अरेंज में भी हम लोग यहाँ पे 2 वैल्यू पास कर सकते हैं। जैसे कि हमें 6 से लेके 9 तक सारी वैल्यू चाहिए, तो 6, 7, 8 तीन वैल्यू एरे के फॉर्म में दे देगा। ठीक है, यहाँ पे दे दिया। अगर हमें ये करना है कि अगर हमने एनपी डॉट अरेंज के अंदर ये लिख दिया कि हमें 2 से लेके 20 तक सारी वैल्यू चाहिए और 2-2 का अंतर चाहिए, तो ऐसे हो जाएगा 2, 4, 6, 8, 10। जैसे कि यार रेंज में हम लोग यूज करते थे, सेम ही यहाँ पे अरेंज है। तो यार लिन स्पेस प्यारा सा, अरेंज प्यारा सा। अब यार जीरोस और वंस, मुझे कितने जीरो चाहिए देखना है यहाँ पे। अगर मैंने एनपी डॉट जीरोस यूज कर लिया, यहाँ पे जीरोस के अंदर मैंने डाला 4, तो यार ARR देखना, यहाँ पे 4 एक एरे बना देगा जिसमें 4 जीरो डाल देगा। अगर जीरोस की जगह मैं वंस कर देता, तो यार यहाँ पे मुझे क्या करता, यहाँ पे 4 वंस मुझे दे देता, ONES ARR, 4 वन दे दिया मुझे। ओके, अब अगली बात करते हैं मैथमेटिकल ऑपरेशंस की। तो यार इसमें बहुत ढेर सारे मैथमेटिकल ऑपरेशंस होते हैं, जैसे कि एक काम करते हैं, सबसे पहले करेंगे क्या, सबसे पहले हम लोग एरे बनाते हैं।
एरे में क्या करेंगे, एनपी डॉट लिन स्पेस का यूज करेंगे, और लिन स्पेस का यूज करने के बाद मुझे चाहिए माइनस वन से लेके वन के बीच में 1000 वैल्यू। ठीक है, अब यार एरे देखना बहुत बड़ा हो जाएगा, यहाँ पे 400 लाइन यहाँ पे शो कर रहा है 400 लाइन, इसलिए यहाँ पे दिख नहीं रहा है। ठीक है, पर इसके अंदर कितना 1000 वैल्यूज पड़ी हुई है। ठीक, अगर हम लोग कोई जुपाइटर नोटबुक वगैरह यूज करते तो वहां पे शो हो जाता। अब मुझे क्या करना है यार, मैं एक काम करता हूँ, थोड़ा छोटा कर देता हूँ ताकि एटलीस्ट हम लोग देख तो सके इसे। यहाँ पे कर दिया पेस्ट और सिर्फ 10 वैल्यू लेते हैं। ठीक है, नाउ ये आ गई 10 वैल्यू। अब मुझे क्या करना है, मुझे मान लो साइन फंक्शन यूज करना है, तो साइन अगर मैंने एरे पर लगा दिया तो क्या करेगा देखना। बी एक वेरिएबल ले लिया मैंने और उसमें एनपी डॉट साइन, एनपी डॉट साइन फंक्शन का यूज कर दिया, उसके अंदर पास कर दिया एरे। अब देखना यार हर वैल्यू पे साइन लग जाएगा, यानी साइन ऑफ यहाँ पे माइनस वन, साइन ऑफ 0.77, साइन ऑफ माइनस 0.55, सारी वैल्यूज के करस्पॉन्डिंग यहाँ पे आ गई। ठीक है, ऐसे कॉस, ऐसे टैन, किसी भी जो भी हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री के फंक्शन है वो सारे यहाँ पे हम लोग यूज कर सकते हैं, सारे फंक्शन दिए गए हैं। अब यार बात करते हैं एबीएस एब्सोल्यूट, अगर हमें यूज करना है एब्सोल्यूट का तो बी इज इक्वल टू एनपी डॉट एबीएस, देखना सारी वैल्यू एब्सोल्यूट करके दे देगा। यहाँ पे देखना यार सारी वैल्यू जो भी नेगेटिव थी उसको भी पॉजिटिव में बदल दिया, यहाँ पे माइनस वन हुआ करता था, यहाँ पे माइनस 0.77 हुआ करता था, जो इसने अब प्लस में चेंज कर दिया है। यार अब हम लोग इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शन यूज करने वाले हैं, जैसे हम लोग ने यूज कर लिया सम, मिन, मैक्स, मीन, मीडियन, वेरियंस। तो सबसे पहले हम लोग बनाते हैं एक एरे, तो एनपी डॉट एरे हम लोगों ने बना लिया और एरे के अंदर हम लोगों ने 1, 2, 3, 4 ये वैल्यू हम लोगों ने की पास, ए आर आर एंटर किया, ए एनपी डॉट सम और एनपी डॉट सम के अंदर हम लोगों ने पास किया ए आर आर, तो हमें रिजल्ट देना चाहिए 10, 4, 3, 7, 2, 9, 1, 10 10 दे दिया। अगर मुझे मीन निकालना होता, यानी मिनिमम वैल्यू एरे की, तो मिनिमम वैल्यू दे देता 1, मैक्सिमम वैल्यू हमें दे देता 4। तो यार आप जितने फंक्शन सोच सकते हो वो सारे फंक्शन यहाँ पे मौजूद हैं। अगर मुझे निकालना है मीन, एनपी डॉट मीन, यानी मीन निकाला मुझे टोटल का, और मीन के अंदर मैंने पास कर दिया एरे, तो 2.5 इसने मीन निकाल के दे दिया। से मीडियन निकाल देगा, वेरियंस, कोवेरियंस, स्टैंडर्ड, आर्गुमेंट, यानी मैक्स वो आर्गुमेंट निकाल के दे देगा, सॉरी इंडेक्स निकाल के दे देगा जिसके करेस्पॉन्डिंग मैक्सिमम वैल्यू है हमारी। जैसे एनपी डॉट कॉपी करें वी और ए आर जी आर्गुमेंट मीन, यानी जीरोथ इंडेक्स पे हमारी सबसे मिनिमम वैल्यू पड़ी हुई है, और अगर हम मैक्स निकालेंगे तो हमारी फोर जिस इंडेक्स पे, यानी 0, 1, 2, 3 इसका रिजल्ट आ जाएगा अगर हम लोग मैक्स यूज करेंगे। अगर हम लोग को सॉर्ट करना हो तो यहाँ पे सिंपली बस इतना लिख दो एनपी डॉट सॉर्ट, और सॉर्ट करने पे जो रिजल्ट आने वाला है वो रिजल्ट हमें बता देगा, और पहले से सॉर्ट था इसीलिए 1, 2, 3, 4 ही इसका रिजल्ट रह गया। कंकैटिनेट भी कर सकते हैं दो एरेज को यहाँ पे साथ में। अब बात करते हैं कंपेयरिंग टू एरेज, दो एरे को अगर कंपेयर करना हो, अब देखना A1 ग्रेटर देन A2 पे क्या देगा, देखना फॉल्स, ट्रू, ट्रू, फॉल्स, यानी पहली 3, 4 कंपेयर हुआ तो यहाँ पे फॉल्स आया क्योंकि 3, 4 से बड़ा नहीं है, सेकंड पे ट्रू, थर्ड पे फॉल्स और फोर्थ पे भी फॉल्स क्योंकि 1 यहाँ पे 12 से बड़ा नहीं है, इसीलिए हमारे पास ये रिजल्ट आया। सेम अगर इक्वल टू करते तो भी रिजल्ट आता, और A1 लेस देन A2 पे भी रिजल्ट आता। ठीक है, A1 लेस देन A2 पे इसका उल्टा, यानी ट्रू फॉल्स, ट्रू ट्रू, ये रिजल्ट आता। अब बात करते हैं एनी और ऑल, एनी का क्या यूज होगा, एनी का वो यूज होगा कि अगर किसी भी कोई भी अगर इस टाइप का हमारे पास एरे है और एरे में अगर कोई भी वैल्यू ट्रू दे रहा है, जैसे देखना अगर मैंने यहाँ पे यूज किया एनी, एनी के अंदर A1 ग्रेटर देन A2 तो क्या रिजल्ट करेगा, ट्रू, यानी कोई भी ऐसा वैल्यू है A1 ग्रेटर देन A2 में जो कि ट्रू हो, तो इसमें देखो है, बिल्कुल है, एक वैल्यू है जो कि ट्रू हो, इसीलिए इसने टोटल ट्रू दे दिया। अगर मुझे ऑल करना हो तो ये कहेगा A1 ग्रेटर देन A2 पे, यानी क्या सारी वैल्यू ट्रू है, तो क्या देगा, नहीं सारी वैल्यू ट्रू नहीं है, इसलिए हमारा रिजल्ट आ गया फॉल्स। अब बात करते हैं लॉजिकल एंड और लॉजिकल और की, यहाँ पे लॉजिकल एंड लॉजिकल और इस तरह यूज करा जाएगा जहां पे पहला आर्गुमेंट हमारा एक एरे और दूसरा आर्गुमेंट दूसरा एरे। ठीक है, सेम यहाँ पे और का भी यूज होगा। अब बात करते हैं अगर मुझे दो एरे में कंडीशन लगानी हो तो मैं कैसे लगाऊंगा,
कुछ ऐसे लगाऊंगा, जैसे मैंने कंडीशन लगा दी, कंडीशन क्या लगा दी, कंडीशन ये लगा दी कि अगर ए बी से बड़ा है तो मेरा ए रिटर्न कर दो वरना बी रिटर्न कर दो। वेयर इज नॉट डिफाइंड, सॉरी एनपी डॉट वेयर लगाना पड़ेगा मुझे यहां पे, एनपी डॉट वेयर, ए बी भी यहां पे डिफाइन नहीं है, यहां पे मेरा ए और बी दोनों डिफाइन नहीं है। एक काम करता हूं, ए भी देने की जगह मैं यहां पे दो एरे ही पास कर देता हूं, ए वन ए टू तो डिफाइन था, सॉरी एक ए वन हो गया एक ए टू हो गया, मुझे ए वन रिटर्न कर दो वरना ए टू रिटर्न कर दो। ठीक है, आप देखना ए वन को प्रिंट करता हूं ए टू को प्रिंट करता हूं, ठीक है, थ्री फोर कंपेयर हुआ, थ्री फोर में फोर बड़ा था इसलिए फोर रिटर्न हो गया, वन सिक्स में सिक्स बड़ा था तो सिक्स रिटर्न हो गया, एट नाइन में नाइन और वन और ट्वेल्व में ट्वेल्व रिटर्न हो गया। कुछ ऐसे हम लोगों ने यहाँ पे कंडीशन लगा दी, ठीक है, नॉन जीरो रिटर्न हो जाएगा यहाँ पे। अब बात करते हैं एलियास और कॉपी करने की टेक्निक क्या है यहाँ पे। जैसे कि हमने करा एक एरे ए वन और सेकेंड हमने बी वन इज इक्वल टू ए वन डॉट कॉपी कर दिया, ठीक है। अब बी वन में क्या, बी वन में भी वही वैल्यू पड़ी है जो ए वन में पड़ी है, ठीक है, पर बी वन को जब हमने बनाया तो हमने कहा कि ए वन की एक कॉपी बनाओ और उसे डाल दो बी वन में, ठीक है। अब अगर हम लोग बी वन में कुछ चेंज करते हैं तो क्या ये ए वन चेंज होगा, जैसे बी वन की जीरो में हम लोगों ने यहां पे डाल दिया 22, तो बी वन को प्रिंट करो, बी वन के जीरो पोजिशन पे 22 हो गया बट ए वन के पोजिशन पे अभी भी 3 है। लेकिन अगर मैंने यहाँ पे सी वन नाम का एक वेरिएबल बनाया जिसे ए वन के बराबर बोल दिया, अब सी वन में भी वही वैल्यू पड़ी है जो हमारा ए वन में पड़ी है, और अगर हम सी वन के जीरो इंडेक्स को चेंज करते हैं यानी यहां हमने लिख दिया 55, तो देखना यार ए वन के भी जीरो इंडेक्स पे 55 हो जाएगा। यही है कॉपी का मतलब और एलियास का मतलब, एलियास मतलब उसी को हमने दूसरा नाम दे दिया, तो यहाँ पे एलियास यूज हो रहा है और यहाँ पे कॉपी यूज हो रहा है। कॉपी करने में अगर दूसरी चीज हम चेंज की, ए वन में हमने चेंज किया तो बी वन पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, और एलियास करना यानी हमने दोनों को बराबर कर दिया, तो एक चेंज करोगे तो दूसरा भी अपने आप चेंज होगा। यहाँ पे स्लाइसिंग भी यूज होती है, बहुत प्यारी चीज है यहाँ पे स्लाइसिंग, और ये हम डिटेल वाले लेक्चर में पढ़ेंगे क्योंकि टाइम हमारे पास बहुत कम है। अब यार अगर हमने यहाँ पे ले लिया 2D एरे, अगर बात करें 2D एरे की तो 2D एरे कैसे बनेगा, सेम यार अगर हमने यहाँ पे एक एरे लिया है जो ऐसे लिखा है एनपी डॉट एरे, हमें बनाना है 2D एरे, 2D एरे कुछ ऐसे बनेगा जहां पे हमने ऐसे वैल्यू रखनी है 1, 2, 3, 3, 4, 5 और 5, 6, 7। अब देखना यार ARR हमारा एक एरे बन चुका है जो कि 2D है, ये हमारी पहली रो, ये हमारी दूसरी रो और ये हमारी तीसरी रो, और ये हमारा पहला कॉलम जिसमें 135 है, ये हमारा दूसरा कॉलम है और ये हमारा तीसरा कॉलम है, ठीक है। अगर हमें मीन निकालना हो तो हम मीन यहाँ पे रो वाइज भी निकाल सकते हैं और कॉलम वाइज भी निकाल सकते हैं, कॉलम वाइज निकालेंगे तो भी 3 वैल्यू, रो वाइज निकालेंगे तो भी 3 वैल्यू, ये मैं भी आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है। सबसे पहले चेक करते हैं एन डायमेंशन, यानी डायमेंशन क्या है उस एरे का, तो एनपी डॉट एन डायमेंशन और उसके अंदर पास कर दो वो एरे, तो एरे 2 डायमेंशन है, ओके, दिख रहा है ये 2D एक एरे है इसलिए यहाँ पे इसने हमें डायमेंशन दे दी। बात करते हैं डॉट सेप की, तो यार देखना यहाँ पे हम लोग दोनों तरीके से लिख सकते थे, ARR डॉट एंडिम, इसका भी सेम रिजल्ट आता, ARR डॉट एंडिम, ठीक है, इसका भी सेम रिजल्ट आता, हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं। अब बात करते हैं अगली चीज की, यानी सेप, एरे का सेप क्या है, तो ARR डॉट सेप, 3 रोज है इसमें और 3 कॉलम है, सेप ये बताता है कि 3 रोज है 3 कॉलम है। एक फंक्शन है यहाँ पे रीसेप जिसकी मदद से हम लोग उसे कर सकते हैं, बदल सकते हैं, यानी ARR यहाँ पे कितनी रोज है, 3 रोज है 3 कॉलम है, यानी टोटल वैल्यू है 9। अगर मुझे ARR डॉट रिसेप कर दू और रिसेप करके 9 जो वैल्यू है ये हम किस फॉर्म में कर दू, 1 रो 9 कॉलम हो सकते हैं, 9 रो 1 कॉलम हो सकते हैं, मैं 1.9 कर दूंगा, यानी 1 रो बना दो 9 कॉलम बना दो, देखना 1 रो बन गई है जहां पे 9 कॉलम है, ठीक है। या फिर मैं ARR डॉट रिसेप कर दूं और रिसेप करके हमने वापस से 3.3 यानी 3 रो 3 कॉलम बना दो, तो वापस से बदल गया, देखना कितना आसान है यहाँ पे सब कुछ करना। साइज गिवन द नंबर ऑफ एलिमेंट, अगर हम साइज करें तो यहाँ पे 9 एलिमेंट है, 9 दे देगा,
आइटम का कितना साइज है, डेटा टाइप, डी टाइप क्या है। अगर हम लोग यहाँ पे देखें ए आर आर डॉट डी टाइप तो बता देगा इंट 32। हम लोग यहाँ पे एरे का वो भी टाइप भी चेंज कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे इंटीजर है, यहाँ पे हम लोग फ्लोट भी कर सकते हैं। आप लोग कमेंट में बताइएगा कैसे कर सकते हैं गूगल पे सर्च करके। अब बात करते हैं एन बाइट्स, कितनी बाइट्स यूज हुई है। रिसेप मैंने आपको बता दिया है। फ्लैटन, फ्लैटन फंक्शन का सिंपली अगर कोई 2D एरे है उसको 1D में कन्वर्ट कर देगा, जैसे एरे है 2D, ठीक है, और अगर मुझे इसे 1D में कन्वर्ट करना है तो डायरेक्टली हम लोग यूज करेंगे फ्लैटन, FLATTEN, ये हो गया हमारा 1D में कन्वर्ट, ठीक है। अब स्लाइसिंग मल्टी डायमेंशनल एरे, ये मैं यहां पे पढ़ाऊंगा क्योंकि यार ये है थोड़ी सी मुश्किल चीज, पर अगर हम समझ जाए तो बहुत ही आसान है। जैसे हमें एरे मिल गया, एरे में 3 रोज थी, 3 कॉलम था, यानी ये 0th रो पे है और 0th कॉलम पे है, ये अपना 1st रो पे है, 1st कॉलम पे है, ये 2nd रो पे है, 2nd कॉलम पे है, ठीक है, 0 से इंडेक्सिंग स्टार्ट हुई इसलिए मैं एक कम करके बोल रहा हूं। अब यार मुझे अगर स्लाइसिंग करनी हो तो मैं कैसे करूंगा, मुझे अगर चाहिए यहां पे जो यहां पे कॉमा लगता है एरे के बीच में स्लाइसिंग करते समय, ये जो पहली चीज है ये हमारा बताएगा कि हम लोग रोज पे क्या करने वाले हैं, और ये दूसरा क्या बताएगा हम लोग कॉलम पे क्या करने वाले हैं। अगर मुझे तीनों रोज चाहिए तो मैं यहां पे लिख दूंगा 0 से सारी वैल्यू, यानी 0 से लेके लास्ट तक सारी वैल्यू दे दूं तो 0th रो आ जाएगी, 1st रो आ जाएगी, 2nd रो आ जाएगी। बेसिकली ऐसा समझो यार कि स्लाइसिंग हम लोग जब करते थे तो कुछ ऐसा करते थे, लेकिन मल्टी डायमेंशनल में हम लोग रो के लिए अलग स्लाइसिंग करेंगे, कॉलम के लिए अलग। देखना अगर हम लोग ऐसे करें तो ये हमें बताएगा कि 0 से लेकर नीचे तक की सारी रो दे दो, तो ये रो दे देगा, ये रो दे देगा, ये रो दे देगा, और उन रो में क्या करना है वो ये बताता है, उन रो के जो कॉलम है उस पर क्या करना है बताएगा कि 0 से लेकर सारे कॉलम दे दो, तो ये मुझे सारे कॉलम दे देगा। अगर मुझे 0 से लेके 1 कॉलम तक ही चाहिए होता तो देखते 0 से लेके 1 आखिरी वाला यहां पे हट जाएगा और सिर्फ 0 कॉलम दे देगा। कॉपी करते हैं, यहां पे पेस्ट करते हैं, मैं आपको वापस से एग्जांपल दिखाता हूं। 0 से लेके 2 तक करना क्या, रोज के मामले में सारी रो देनी है, ये भी रो, लेकिन कॉलम के मामले में मुझे सिर्फ 0 और 1 वाला देना है, 0 वाला और 1 वाला। तो यार ये वैल्यू 1, 2, 3, 4, 5, 6 यही तीनों वैल्यू केवल आएंगी, 1, 2, 3, 4, 5, 6। अगर मुझे सिंगल रो की 3 कॉलम को एक्सेस करना है तो मैं कैसे एक्सेस करूंगा, सिंगल रो की मुझे 0th इंडेक्स वाला चाहिए, मुझे रो में केवल 0th इंडेक्स वाला चाहिए और कॉलम में तीनों चाहिए, तो कॉलम में हमने लिख दिया 0 कॉलम, ठीक है, मिल गया 0th रो वाला मिल गया और कॉलम में सारे चाहिए थे, तो सॉरी यहाँ पे सारे चाहिए थे इसलिए हमने यहाँ पे लिख दिया और सारे कॉलम मिल गए। ये होता है यहाँ पे स्लाइसिंग। अब बात करते हैं मैट्रिक्स। यार मैट्रिक्स बहुत ही प्यारी चीज है, यहाँ पे नंपाई का ही एक फंक्शन है मैट्रिक्स, जो कि सीधा आपको मैट्रिक्स में बदल देता है और मैट्रिक्स के ऑपरेशन भी हम वहां पे परफॉर्म कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहां से कॉपी करके अगर पेस्ट करके आपको दिखाऊं तो देखना 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ये चेंज करेगा एक मैट्रिक्स में। ए आर दिख रहा है मैट्रिक्स, ओके मैट्रिक्स ऐसे ही तो होती है, रोज और कॉलम दिख रहा है, सेम एरे में भी ऐसा ही था, एनपी डॉट एरे जब बनाते थे वो भी ऐसा ही दिखता था, बट यहाँ पे अगर हम टाइप चेक करें एरे का तो ये हमें बताएगा एरे टाइप मैट्रिक्स टाइप का है, नंपाई डॉट मैट्रिक्स टाइप का है, और यहाँ पे हम लोग मैट्रिक्स के सारे ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, जैसे 2 मैट्रिक्स को एड करना, 2 मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना, मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करना, सब कुछ, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे हम लोगों ने एक और तरीके से हम लोग यहाँ पे मैट्रिक्स बना सकते हैं, यहाँ पे हमें बहुत सारा स्क्वायर ब्रेसेस यूज करना पड़ा, अगर हमें नहीं यूज करना पड़ता तो हम लोग स्पेसेस से लिख सकते थे, यहाँ पे अगर हम लोग करेंगे इंटर तो भी कुछ ऐसा ही बन जाएगा, ये टाइप चेक करेंगे तो ये नंपाई डॉट मैट्रिक्स होगा। एक्सेसिंग डायगोनल, अगर हमें डायगोनल एलिमेंट एक्सेस करने हैं तो हम लोग डायगोनल, मैंने बताया ना इतनी प्यारी चीज है ये मैट्रिक्स, इतनी प्यारी चीज इसलिए है क्योंकि हम लोग सारे मैट्रिक्स फंक्शन यूज कर सकते हैं। डायगोनल एक्सेस हो गया 159, हम लोग अगर हमें सम करना हो, मीन करना हो तो यहाँ पे यूज कर सकते हैं, सॉर्ट करना हो सॉर्टिंग कर सकते हैं। मैं ट्रांसपोज यहाँ आपको दिखा देता हूँ, ए आर डॉट ट्रांसपोज, ये क्या करेगा, रोज को कॉलम और कॉलम को रोज में चेंज कर देगा, यानी 1, 2, 3 अभी क्या है, ये कॉलम है जबकि 1, 2, 3 पहले रोज थी। ट्रांसपोज हमने मैथमेटिक्स में पढ़ा है, अगर 2 रोज को एड करना हो तो भी यहाँ पे एड कर देगा,
सब्ट्रैक्ट करना हो सब्ट्रैक्ट कर देगा, मल्टीप्लाई करना हो मल्टीप्लाई कर देगा, सारी चीजें यहाँ पे हैं, ठीक है। अगर हमें ऐड करना हो कुछ भी हो सकता है, ठीक है। जैसे ऐड करके मैं बताता हूँ, ए आर प्लस ए आर, सिंपली ए आर प्लस ए आर, यानी सेम मैट्रिक्स को हमने दो बार ऐड कर दिया, टू यहाँ पे 1 2 3 था तो 2 4 6 हो गया, 8 10 12 हो गया, 14 16 18 हो गया, ठीक है। क्रिएट रैंडम एरे, अगर हमें रैंडम एरे यहाँ पे चाहिए तो इम्पोर्ट रैंडम, पहले हमें रैंडम मॉड्यूल इम्पोर्ट करना पड़ेगा, ए इज इक्वल टू रैंडम, पहले यूज करते हैं ए इज इक्वल टू रैंडम डॉट रैंडम, तो ये ए में हमारा एक रैंडम नंबर डाल दिया। अगर हम लोग यहाँ पे इसके अंदर एक आर्गुमेंट पास करते तो यार यहाँ पे ये दे रहा है एरर, पता नहीं क्यों, ट्रेस बैक मोस्ट रिसेंट फाइल बैक लाइन नंबर 1 मॉड्यूल रैंडम डॉट रैंडम, रैंडम टेक्स नो आर्ग्यूमेंट्स, इसके बारे में आप सर्च करिएगा। ये आपका टास्क है कि अगर हमें कुछ, जैसे हमें 5 यहाँ पे 5 एलिमेंट किसी एरे में रैंडमली लाने हैं तो कैसे लाएंगे, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में डालिएगा। बाकी मैंने आपको यहाँ पढ़ा दिया है बहुत कुछ, अगर कुछ भी छूटा हो तो कमेंट बॉक्स में, अगर आपको लगता है कि ये चीज नहीं आती या ये अगर कुछ ऐसा करना हो तो कैसे करेंगे तो आप लोग कमेंट बॉक्स में करिए यार। और वैसे भी यार ये समरी वीडियो था इसलिए मैं ज्यादा टाइम आप लोग का नहीं ले सकता, इसलिए मैंने बहुत सारे फंक्शन यहाँ पे नहीं बताए हैं, सॉर्ट मीन इसका कैसे यूज करेंगे आप लोग नेट पे देख लीजिएगा, और अगर आपको नहीं पता तो मेरे डिटेल वीडियो का इंतजार करिए, बहुत जल्दी आने वाला है इसी चैनल पे, जहां पे मैं सारे चैप्टर बहुत डिटेल में कवर करने वाला हूँ। ये बेसिकली उन बच्चों के लिए था जिन्हें आता है, बस वो रिवाइज पर्पज से देखना चाह रहे हैं, बट फिर भी अगर आपको थोड़ा बहुत भी आता है फिर भी ये ट्यूटोरियल ऐसा है कि आप उससे समझ सकते हैं।